मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सहायक प्रबंधक उत्तर पूर्व रेलवे, आईजी रेलवे, डीआईजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि रेलवे विभाग द्वारा जिला प्रशासन को आने वाली ट्रेनों का समय तथा यात्रियों की संख्या आदि के बारे में पूर्व से अवगत कराया जाए और ट्रेनों की आने के समय में अंतराल भी रखा जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि यात्रियों के उतरते समय यात्रियों का स्वास्थ्य जांच एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके किया जाए तथा किसी यात्री में संदिग्ध लक्षण प्रतीत होता है तो तत्काल एम्बुलेंस से एसओपी का पालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी की अवस्था ज्यादा खराब है तो उसे मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के समस्त जनपदों का रजिस्ट्रेशन डेस्क सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार स्थापित कराया जाए और प्रत्येक जनपद का एक मजिस्ट्रेट व एक पुलिस अधिकारी एवं अपने यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपने जनपदों हेतु बसों में बैठा कर रवाना करें। प्रत्येक यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने का प्रयास किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक बस में एक पुलिस का कर्मचारी अनिवार्य रूप से रहेगा। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी, डीआईजी राजेश जी मोदक तथा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा Thank you.
यात्री आने वाले हैं उनके लिए आज एक कंबाइंड मीटिंग हुई है। जीआरपी, आरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेल प्रशासन सब ने इकट्ठा होकर आज मीटिंग की है और ये मॉडलिटीज़ डिसाइड की गई हैं कि जब यात्री आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैसे जो है उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, कैसे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो बहुत आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपने अपने ज़िलों को रवाना किए जा सकें। उन सब की जो है तैयारी की जो है मीटिंग हुई है और इसमें हम लोग जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से आपको जैसे पता ही है कि कुछ डेस्टिनेशंस डिसाइड किए गए जहाँ से कुछ लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आने वाले हैं, तो उसकी जो प्रिपरेशन है, मॉकड्रिल है, उसका आज हमने दिन तय किया था जिसमें रेलवे के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अधिकारी सब लोग आए हैं। उन्होंने जो बेसिक फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए और क्या प्रिपरेशन होना चाहिए उसके बारे में देखा। संख्या ज़्यादा नहीं होगी एक ट्रेन में। देखिए ये ट्रेन जो है स्पेशल ट्रेन से है, ऐसा नहीं होगा कि लगातार ट्रेनें आते रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। एक ट्रेन जब आएगी उसमें करीब करीब 24 डिब्बे होंगे जिसमें 1200 के आसपास लोग बैठे हो सकते हैं, तो उस हिसाब से 1200 लोगों को कितने लोग लगते हैं कैटर करने के लिए, वही हिसाब लेने के लिए और क्या व्यवस्था रहेगी वो देखने के लिए हमने यहाँ पे आज मीटिंग रखी है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी कि लोग आएंगे तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए और उनको अलग अलग बसों में बिठाने के लिए क्या नॉर्म्स का पालन होगा, ये सब डिसाइड करने के लिए ही आज मीटिंग रखी गई है। रोडवेज को निर्देश दिए है क्योंकि यहाँ से जैसे हमारे रेंज में 4 जनपद है और बस्ती वगैरह अगल बगल वाले जो जनपद है वहाँ पे लोग जा सकते हैं, तो सबके साथ कम्युनिकेशन करके सबको क्या डायरेक्शन देना है, अलग अलग जिलों के लोग, पुलिस के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी यहाँ आए हैं, उनको क्या डायरेक्शन देना है, ये सब आज तय हुआ। जैसे कि निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जो हमारे मजदूर और कामगार जो दूसरे प्रदेशों में हैं उनको भारतीय रेल की सेवा के द्वारा भी लाया जाना संभावित है और इस उसके लिए हम लोगों ने एक तैयारी बैठक की है। आज कोई ऐसी ट्रेन नहीं आ रही, अभी कोई इसमें क्लियर कट कहां से कौन आएगा नहीं है, लेकिन हमें अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सब जितने की स्टेक होल्डर्स हैं सारे सीनियर अधिकारी यहाँ पर हैं और किसका क्या रोल होगा, जनपद में लोग कैसे जाएंगे जिससे कि उनको भी दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा स्ट्रिक्ट आदेश है उसको फॉलो किया जाए और इसी व्यवस्था को कैसे हम उतारेंगे और कैसे क्या चीज़ अरेंज करेंगे उसी के बारे में ये बैठक की। देखिए जैसा कि एक हम लोग को कहा गया है कि कोरोना के जो भी हमारे पेशेंट हैं उनका नाम हमें बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग अभी अंदर ट्रीटमेंट हैं। सो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा, टोटल कमिश्नरी में इस समय 6 पेशेंट हैं विभिन्न जनपदों के, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के 3, देवरिया के 2 और महाराजगंज का 1 है और ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हम बहुत आशा करते हैं कि ये सभी निगेटिव होकर अपने घर अच्छे से जा पाएंगे। और जो भी ये पेशेंट हैं इसमें से ये दिल्ली या मुंबई से आए हुए थे और इसलिए इनको तुरंत एम्बुलेंस को पुलिस ने डाइवर्ट किया था हॉस्पिटल के लिए, इसलिए गांव में संक्रमण जो है नहीं हुआ है, फिर भी एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट किया है। देखिए अभी इसके एग्जैक्टली ये डिसाइड नहीं हुआ है कि किस जगह से कौन लोग आएंगे, लेकिन जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हैं कि रेलवे से इनको लाएंगे, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण के हिसाब से जो सही होगा उसको होम क्वारंटाइन 21 दिन के लिए किया जाएगा, अदरवाइज़ उनको इंस्टीट्यूशनल या हॉस्पिटल में हम ले जाएंगे।